हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्क्रीन मोड के पेस्टबोर्ड कलर को चेंज करना सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने स्क्रीन मोड को एक बार चेंज करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर स्क्रीन मोड के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना स्क्रीन मोड चेंज करते हैं फुल स्क्रीन मोड विद मेन्यू बार। हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा स्क्रीन मोड है वो फुल स्क्रीन मोड विद मेन्यू बार में चेंज हो गया है। आप यहाँ पर जो लाइट ग्रे कलर का पेस्टबोर्ड देख रहे हैं, हम इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि जब भी आप स्क्रीन मोड को चेंज करते हैं तो हमेशा बैकग्राउंड कलर मींस जो पेस्टबोर्ड का कलर होता है वो ग्रे होता है। चाहे आप फुल स्क्रीन मोड पर रखें, चाहे आप इसको फुल स्क्रीन मोड विद मेन्यू बार पर रखें या स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड पर रखें, पेस्टबोर्ड का कलर हमेशा आपको ग्रे डिस्प्ले होता है। हम चाहते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग पेस्टबोर्ड के कलर को मॉडिफाई कर सकें। हम पहले इसको स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड में चेंज करते हैं। हम यहाँ पर एडिट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे प्रेफरेंसेस, देन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इंटरफेस। हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही प्रेफरेंसेस की विंडो हमारे सामने डिस्प्ले हो गई है, जहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं इंटरफेस का ऑप्शन सेलेक्ट है। आप यहाँ पर जनरल ग्रुप में देखेंगे, यहाँ पर आपको तीनों मोड्स मिलेंगे, स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड, फुल स्क्रीन विद मेन्यूज, देन थर्ड फुल स्क्रीन। आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों मोड्स के जो कलर हैं वो ग्रे हैं। देन इनके जो बॉर्डर हैं, स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड का जो बॉर्डर है वो है नन, फुल स्क्रीन विद मेन्यूज का जो बॉर्डर है वो है ड्रॉप शेडो, और फुल स्क्रीन का जो बॉर्डर है वो है ड्रॉप शेडो। अब हम इसे जो है अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब भी हम फुल स्क्रीन विद मेन्यूज के ऑप्शन को सेलेक्ट करें तो पेस्टबोर्ड का कलर ग्रे ना होकर कुछ और हो। तो हम इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से ब्लैक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ब्लैक के अलावा कोई और कलर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से करेंगे सेलेक्ट कस्टम कलर। हम इस पर क्लिक करते हैं। सेलेक्ट कस्टम बैकग्राउंड कलर हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपको ठीक लगता है। सपोज हम यहाँ पर ये स्काई ब्लू कलर सेलेक्ट करते हैं, देन ओके, और इसे अब हम यहाँ पर ओके करते हैं। अब हम यहाँ पर अपने स्क्रीन मोड को फुल स्क्रीन मोड विद मेन्यू बार में चेंज करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पेस्टबोर्ड का जो कलर है वो स्काई ब्लू में चेंज हो गया है। हम फिर से यहाँ पर एडिट मेन्यू में जाएंगे, प्रेफरेंसेस, इंटरफेस। इसी तरह से हम यहाँ पर चाहते हैं कि जब भी हम फुल स्क्रीन विद मेन्यू स्क्रीन मोड सेलेक्ट करें तो पेस्टबोर्ड का कलर जो अभी हमने यहाँ पर सेट किया है वो डिस्प्ले करे। देन बॉर्डर जो है, हम इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं। हम चाहते हैं कि जो उसका बॉर्डर है वो लाइन में आए। हम लाइन सेलेक्ट करेंगे और इसे ओके करते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अपनी इमेज के बॉर्डर पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन आ रही है, मतलब ये आपकी इमेज के चारों तरफ लाइन बॉर्डर डिस्प्ले करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। हम फिर से एडिट मेन्यू में जाते हैं और इंटरफेस को सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि इसका बॉर्डर लाइन या ड्रॉप शेडो में ना होकर कुछ भी नहीं हो तो आप करेंगे नन, देन ओके। तो आप देखेंगे अपनी इमेज के चारों तरफ कोई भी बॉर्डर अब यहाँ पर नहीं है। इसी तरह आप यहाँ पर फुल स्क्रीन के लिए भी कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ से करते हैं ब्लैक। हम चाहते हैं कि जब भी हम फुल स्क्रीन मोड को सेलेक्ट करें तो जो पेस्टबोर्ड का कलर है वो ब्लैक हो। हम इसे ओके करते हैं और अब हम यहाँ पर स्क्रीन मोड सेलेक्ट करते हैं फुल स्क्रीन मोड। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेस्टबोर्ड का जो कलर है वो ब्लैक हो गया है। हम यहाँ एस्केप की प्रेस करते हैं बाहर आने के लिए। तो इस तरह से आप इंटरफेस ऑप्शन की हेल्प से स्क्रीन मोड में पेस्टबोर्ड कलर को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्क्रीन मोड के पेस्टबोर्ड कलर को चेंज करना सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने स्क्रीन मोड को एक बार चेंज करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ